फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करें वेलोसिटी एजुकेशन ऐप। हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। चैप्टर 2 है कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, तो इसमें शुरू करते हैं। देखिए कंप्यूटर का जो विकास हुआ, ठीक है, उसका जो उद्भव हुआ है, तो उसका जो विकास हुआ था वो बहुत पहले, जैसे एक अबेकस नाम का सुना होगा आपने, देखा होगा कि बच्चे जो छोटे छोटे ऐसे खेलते हैं ना ऊपर से नीचे से काउंटिंग के लिए, ऐसे जिसमें गोटियाँ पिरोई हुई होती है, तो वहाँ से शुरू हुआ था। वो एक प्रारंभिक था, बहुत स्टार्टिंग। फिर उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, पहले के जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े साइज के होते थे, पूरे कमरे के आकार के होते थे, एक बड़ा कमरा आ जाता था। फिर धीरे धीरे उनको डेवलप करते गए, फिर आगे वो आज जो हम आज देखते हैं ना अपना डेस्कटॉप लैपटॉप, ये सब के फॉर्म में आने में उनको बहुत टाइम लग गया, तो लगभग 4 से 5 जनरेशन लगे हैं। ठीक, अभी कुछ किताबों में आपको 4 जनरेशन तक बताएगा और कुछ किताबों में 5 जनरेशन तक, तो हम लोग सबको डील करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का उद्भव कैसे शुरू हुआ है। तो आप एक बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे, यहाँ पर हम लोग डिवाइस का नाम लिखेंगे डिवाइस, ठीक, यहाँ पर खोजकर्ता, फिर आगे क्या लिखेंगे उसकी विशेषता, तो आप लोग ऐसे ही कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आपको पढ़ते टाइम आसानी हो। देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका अबेकस, क्या है अबेकस, अबेकस, ठीक है, अबेकस जो है इसका जो विकास हुआ है, ठीक है, इसका जो खोज करता है कौन है, चाइना में ये बना था, चाइना, ठीक है, चाइना चीन। खोज करता का जो नाम है कुछ बुक्स में आपको मिलेगा ली काई चेन, तो वो लिख लीजिए आप ली काई चेन। हालांकि इसके खोजकर्ता के नाम में अभी तक एकदम कंफर्म नहीं है कि यही है, बट ली काई चेन मिलता है तो उसको लिख लीजिए ली काई चेन, कहाँ के थे, चाइना के, ठीक। इसके आगे इसका जो है विशेषता, ये क्या था, फर्स्ट आपका पहला क्या है, कैलकुलेटर, या पहला कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर है ये, क्या है, कैलकुलेटर, ठीक, पहला कैलकुलेटर है। इसमें क्या था, प्लस गुणा और प्लस माइनस और गुणा कर सकते थे, ठीक। इसके इसका जो उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है अबेकस की, एग्जाम में आया है अबेक्स, अबेक्स एक शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और अबेक्स कौन से शब्द की भाषा है, तो या ग्रीक या लैटिन करके आपको जो भी मिले एग्जाम में वो आपका इसमें रहेगा, ग्रीक या लैटिन जो भी ऑप्शन में मिले आपको टिक कर देना है, तो इससे इसका हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति हुई है। तो ये आपका पहला क्या है, अबेकस। अबेकस मतलब क्या, आप जैसे एक ऐसे लकड़ी का होता था गोलाकार मनका, जिसको बोलते हैं लकड़ी का गोलाकार मनका, ऐसे करके होती थी जिसमें क्या होता था, गोलियां बनाया होता था, ऐसे गोलियां रहती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा आजकल अभी भी बच्चे उसको खेलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे रहता था पूरा, तो आपने देखा होगा ऐसे ऊपर नीचे करते थे हम लोग, गिनते थे तो वो काम आता था, तो क्या है आपका, अबेकस है, ठीक है, अबेकस। अब इसके आगे है आपका नेपियर बोन्स, क्या है आपका, नेपियर बोन्स, दूसरा है नेपियर बोन, नेपियर बोन्स नाम से ही स्पष्ट है किसने किया है खोज, नेपियर ने, किसने किया है, जॉन नेपियर ने, ठीक है, जॉन नेपियर ने, खोजकर्ता का क्या नाम है, जॉन नेपियर। दूसरा क्या है, नेपियर बोन्स, नेपियर बोन, खोजकर्ता कौन है, जॉन नेपियर, ठीक है, कहाँ के हैं ये,
ये कहाँ के वैज्ञानिक है, तो ये है आपके स्कॉटलैंड के हैं, खोजकर्ता, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, खोजकर्ता स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ना आपसे नाम के अलावा ये पूछ देता है कि ये किस देश से संबंधित है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड, देखिए बोन्स, बोन्स यानी क्या होता है, हड्डी, तो ये किससे बना था, यह बना था हाथी के हड्डियों से बना था, किसके, हाथी के हड्डियों से बना था, हाथी के हड्डियों से बना था, ठीक है। इसको क्या है, ये भी आपका एक कैलकुलेटर है, क्या है, कैलकुलेटर है, तो फर्स्ट कैलकुलेटर जो हाथी के हड्डियों से बना है, किससे बना है, फर्स्ट कैलकुलेटर जो हाथी के हड्डियों से बना है, ठीक है। इसमें क्या था, इसके लिए क्या था, देखिए नेपियर बोन्स एक जैसे ऐसे करके था एक, ठीक, ऐसे इसमें जो होगा डायग्राम में ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा ऐसा, फिर इसके ऊपर एक ऐसा ये दिखेगा, ये किसका था, हाथी के हड्डी का था, ये आप देखेंगे तो डिटेल में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये क्या था, इसमें 0 से 9 तक के अंक को स्टोर किया जा सकता था, 0 से 9 तक के अंक को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, किए जा सकते थे, और क्या था इसमें, गुणा भाग भी कर सकते थे, अंक स्टोर कर सकते थे तथा गुणा भाग, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग भी किया जा सकता था, अभी तक इसमें क्या था, प्लस माइनस और गुणा ही कर सकते थे, इसमें क्या कर सकते थे, प्लस माइनस गुणा भाग भी किया जा सकता था, ठीक है। ये हो गया आपका, इसके आगे है तीसरा, आपका है तीसरा है पास्कलाइन, क्या है आपका तीसरा, तीसरा है पास्कलाइन, ठीक है, तीसरा है पास्कलाइन, 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 ठीक, पास्कलाइन, इसके इनके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता का क्या नाम होगा पास्कलाइन, तो ब्लेज पास्कल, क्या नाम है इनके खोजकर्ता का, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ये कहाँ के हैं ब्लेज पास्कल, ये हैं फ्रांस के, कहाँ के हैं फ्रांस के, ठीक है। ब्लेज पास्कल कहाँ के, किस देश के हैं, ये फ्रांस के हैं। इसमें क्या कह सकता था, यह प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है, क्या है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है। इसमें इसका डेट लिख लीजिएगा 1642 के आसपास, ठीक है, पास्कलाइन 1642 के आसपास ब्लेज पास्कल ने किया था, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है। यांत्रिक को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं ना, मैकेनिकल, मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर या कंप्यूटर बोल सकते हैं इसमें। इसको क्या होता था, यह ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था, ओडोमीटर, यह ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था, सिद्धांत पर कार्य करता था, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं, इसको आप लिखते जाइएगा, मैं मिटाते जा रही हूँ, तीन हो गए, चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या देखेंगे हम, चौथा देखेंगे डिफरेंस इंजन, क्या देखेंगे हम चौथा, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन के खोजकर्ता कौन है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर आप लिखते रोक के आप वीडियो को लिखते जाइएगा। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन के खोजकर्ता कौन है, चार्ल्स बेबेज, कौन है, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, कौन है, चार्ल्स बेबेज, कहाँ के हैं चार्ल्स बेबेज, ये है आपके इंग्लैंड के, कहाँ के, इंग्लैंड के, ठीक, इंग्लैंड के हैं ये। ये क्या था, डिफरेंस इंजन के बारे में कुछ खास नहीं है, ठीक है,
इसके बारे में बस यही है कि भाप से चलता था, डिफरेंस यानी भाप से चलता था, जिसमें लिख सकते हैं कि भाप से चलता था, विशेषता क्या है, भाप से चलता था, इसलिए इसका क्या नाम है, डिफरेंस इंजन। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, एनालिटिकल इंजन। फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारा, एनालिटिकल इंजन। इसको किसने बनाया था, इसको भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उन्होंने पहले डिफरेंस इंजन बनाया, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन बनाया तो फिर ये उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाया, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या किया, एनालिटिकल इंजन बनाया। किसने बनाया है, चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो कौन है, चार्ल्स बेबेज। कहाँ के हैं ये, इंग्लैंड के निवासी हैं, इंग्लैंड के, ठीक है। एक बार व्यापम के एग्जाम में शायद इनका देश पूछा था कि कौन से देश के हैं ये, इसलिए मैं सारे जितने भी आपके मतलब हैं वैज्ञानिक जो है, जो खोज करता है, उनके बारे में बता दे रही हूँ कौन से देश के हैं। देखिए ये फर्स्ट क्या है, यह फर्स्ट जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर है, मतलब इसको जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जनरल पर्पस मतलब सामान्य कार्य के लिए यूज करने वाला कंप्यूटर, सामान्य कार्य के लिए ना, सामान्य कार्य के लिए यूज होने वाला पहला कंप्यूटर है। अभी तक क्या था, प्लस माइनस गुणा भाग, उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ पाए थे, तो ये था, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसके आगे हम लोग देखते हैं सेंसर टेबुलेटर। क्या देखेंगे, सेंसर टेबुलेटर, सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर, ठीक। सेंसर टेबुलेटर का निर्माण किसने किया है, कौन खोज करता है, तो यह लगभग 1890 में बना है। किसमें, कौन सा ने बना है, 1890 में। इसके जो खोज करता है उनका नाम है हरमन हॉलरिथ। ये पूछा जाता है कि सेंसर टेबुलेटर का, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, तीन चार नाम दे देंगे और तीन चार ऐसे दे देगा मशीनों के नाम देगा, किसने किसने खोज किया है ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, सेंसर टेबुलेटर का खोज करता कौन है, तो हरमन हॉलरिथ। कब इन्होंने खोजा था इसको, लगभग 1890 में, ठीक है। डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डेट के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे, हर बुक में इधर उधर है, तो बहुत कम ही है कि आपको डेट पूछा जाएगा। ये कहाँ के हैं, ये हैं यूएसए के, ठीक है। इसके बाद जितने आपको मिलेंगे सब यूएसए के ही होंगे, जो पहले जो थे इंग्लैंड फ्रांस वो होने थे, हो गया। अभी जितने भी आपको मिलेंगे ना, सब यूएसए के होंगे, तो आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जोर देना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें देखते हैं सेंसर टेबुलेटर हरमन हॉलरिथ, इसकी क्या विशेषता है, तो क्या है यह, फर्स्ट कैलकुलेटर जिसमें इनपुट यूनिट का यूज हुआ था। क्या है यह, फर्स्ट कैलकुलेट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें इनपुट यूनिट का इस्तेमाल हुआ था, इस्तेमाल हुआ था। क्या किए थे इनपुट में, इनपुट के रूप में किए थे पंच कार्ड का उपयोग किए थे। किसका किए थे इनपुट के रूप में, पंच कार्ड। पंच कार्ड अपने नाम सुना होगा ना, पंच कार्ड। तो पंच कार्ड के खोजकर्ता कौन है, हरमन हॉलरिथ, ठीक है। तो पंच कार्ड को किया गया था, तो पंच कार्ड के खोजकर्ता कौन है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, इसके खोजकर्ता है हरमन हॉलरिथ, हरमन हॉलरिथ, ठीक है। इसके खोजकर्ता है, इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके आगे देखेंगे, देखिए इसी का जो सेंसर टेबुलेटर है, पंच कार्ड के रूप में यूज होते थे, इसको क्या किए थे, जो देखिए 1890 में बना था, ठीक है, 1890 के आसपास में बना था, तो 1890 में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। तो उस टाइम पे जो जनगणना हुआ था उसमें इसका प्रयोग किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछे कि जनगणना में प्रयोग होने वाला पहला कंप्यूटर कौन था, तो वो कौन सा है, सेंसर टेबुलेटर है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे देखेंगे मार्क फर्स्ट।
पहला देखते हैं हम मार्क फर्स्ट। एक इसमें पीछे छूट गया था, वो था स्लाइड रूल। ठीक है, स्लाइड रूल उसका नाम बस लिख लीजिए, वो पीछे था पास्कलाइन से पहले था। ठीक है, स्लाइड रूल करके है वो, बस उसका नाम लिख लीजिए स्लाइड रूल। इसमें कुछ खास बनेगा नहीं, इसका क्या है बस जो वैज्ञानिक है उनका नाम याद रख लीजिए, विलियम ऑट्रेट करके। क्या है? विलियम ऑट्रेट। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के थे, विलियम ऑट्रेट। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं मार्क फर्स्ट। क्या देखेंगे हम, कहाँ तक हुआ था हमारा? इसके आगे देखते हैं सातवें नंबर तक, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट, मार्क फर्स्ट क्या है? मार्क फर्स्ट है ये, इसका हुआ था मार्क फर्स्ट का, ये इसका बना था 1947 के आसपास में। ठीक है, कब बना था? 1944 से 47 के बीच में, तो कंफर्म डेट नहीं है बट फिर भी आप 1944 लिख लीजिए। ठीक, 1937 से 1944 के बीच में बना है तो 1944 लिख लीजिए। इसमें क्या है, इसके जो खोज करता है कौन है? हार्वर्ड आइकेन। कौन है? हार्वर्ड आइकेन। ठीक है, खोजकर्ता कौन है? हार्वर्ड आइकेन। कहाँ के हैं ये? यूएसए के हैं। हार्वर्ड आइकेन कहाँ के? यूएसए के हैं। इसमें क्या है, यह प्रथम विद्युत यांत्रिक मशीन है। ठीक है, विद्युत यानी इलेक्ट्रोमैग्निकल कंप्यूटर है। ठीक है, इसका निर्माण कौन किया था? तो इसका निर्माण किया गया था आईबीएम कंपनी के द्वारा। तो मार्क फर्स्ट का निर्माण कौन किया था? आईबीएम कंपनी ने किया था। पूछा गया है बहुत बार कि मार्क फर्स्ट का निर्माण किसने किया है, तो किसने किया है? आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें इसका क्या था, यह फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब विद्युत यांत्रिक मशीन। क्या होगा? विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। अभी तक क्या था? विद्युत नहीं था, उसमें विद्युत नहीं देते थे हम लोग, उसे पावर सप्लाई नहीं करते थे, यांत्रिक कंप्यूटर था पूरा। ठीक है, मैकेनिकल बस पावर जो भी हो गया उसी से चलता था, लेकिन अब उसमें विद्युत सप्लाई होने लगा, तो कौन सा है वो? मार्क फर्स्ट है। ठीक है, इसके आगे अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? एनीएक। इसके आगे हम देखते हैं एनीएक। ठीक है, एनीएक, एनीएक, एनीएक का कब हुआ था निर्माण? तो इसका हुआ है 1947 के आसपास, 1946 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछता है एनीएक का, वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको लिख लेते हैं एनीएक। एनीएक 1946 में बना था। ठीक है, एनीएक किसने बनाया था? तो एनीएक का जो बनाया था, इसके दो लोग थे। ठीक है, जेपी एकर्ड और जॉन मुशली। क्या थे? जेपी एकर्ड, जेपी एकर्ड और जॉन मुशली। तो नाम याद रखिएगा, पूछा गया है ये, जेपी एकर्ड और जॉन मुशली। ठीक है, कहाँ के हैं ये दोनों? ये दोनों हैं यूएसए के। बताया था ना मैंने कि उसके बाद सब यूएसए के होंगे, तो कहाँ के हैं? जेपी एकर्ड और जॉन मुशली। ठीक है, यूएसए के हैं। ये क्या था? देखिए, एनीएक क्या था? यह पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पहला क्या है? पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फर्स्ट पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसका ना फुल फॉर्म पूछता है, एनीएक का फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म लिख लीजिए एनीएक का, एनीएक का फुल फॉर्म, एनीएक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
क्या है इसका ये फुल फॉर्म है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे एडवेक, क्या देखेंगे हम आगे इसके एडवेक, एडवेक इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। एडवेक कब बनाया गया था, तो एडवेक एडवेक ठीक है, एडवेक जो है हाँ एडवेक का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या था एडवेक, क्या था एडवेक जो था इसका जो इनको इसको किसने बनाया है, वॉन न्यूमैन ने, किसने, वॉन न्यूमैन ने ठीक। इसमें यही याद नाम रखिए कि वॉन न्यूमैन ने बनाया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ठीक है। इसमें बाइनरी संख्या का प्रयोग किया गया था, किसका प्रयोग किया था, बाइनरी संख्या का प्रयोग। बाइनरी संख्या क्या होता है, तो जीरो और एक के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, बाइनरी संख्या बोला जाता है। तो इसका क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। इसके आगे हम लोग देखते हैं एडसेक ठीक है, क्या देखेंगे एडसेक, इसको भी किसने बनाया था, सेम वॉन न्यूमैन ने बनाया है, वॉन न्यूमैन ने ठीक है। ये कहाँ के हैं वॉन न्यूमैन, तो यूएसए के हैं, कहाँ के हैं यूएसए के, यूएसए के ठीक। इसमें क्या था एडसेक में क्या है, एडसेक जो है पहला डिजिटल कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर है जो डिजिटल प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था, क्या है, तो पहला कंप्यूटर जो डिजिटल प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था, मतलब स्टोर किया गया, इसमें पहला डिजिटल प्रोग्राम को स्टोर किया गया या कर सकता था ठीक है। इसके आगे क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म देखना है आपको, एडसेक का फुल फॉर्म क्या है, तो फर्स्ट ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, 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 डी से इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिय डिले, इलेक्ट्रॉनिक डिले, देखो यहाँ पर डिस्क्रिएट है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिले है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर किया गया, तो स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसके फुल फॉर्म से अभी याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये स्टोर करने के काम किया था, क्या था, डिजिटल प्रोग्राम को स्टोर किया था। इसमें जो पहला प्रोग्राम है, जैसे ये प्रोग्राम आपको बताया, तो फर्स्ट जो प्रोग्राम किसने डाला था, तो आपने एक नाम सुना होगा लेडी एडा अगस्टा ठीक है। तो पहला प्रोग्राम किसने डाला था, तो लेडी एडा अगस्टा ठीक है, दुनिया की पहली प्रोग्रामर महिला, या दुनिया का फर्स्ट प्रोग्राम किसने ये डाला था, तो लेडी एडा अगस्टा ने डाला था ठीक है। एडसेक ये हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं यूनिवेक, क्या देखेंगे यूनिवेक, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूं। क्या है आपका यूनिवेक, यूनिवेक ठीक है। यूनिवेक का ये क्या था, यह यूनिवेक जो है इसको किसने बनाया था, देखिए जेपी एकर्ड और जॉन मोस्ली, जैसे एनिएक को जेपी एकर्ड और जॉन मोस्ली ने बनाया था ना, वैसे यूनिवेक को भी किसने बनाया था, जेपी एकर्ड और जॉन मोस्ली ने, जेपी एकर्ड और
जॉन मूचली, कहाँ के हैं ये दोनों? यूएसए के। तो नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, और यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। क्या है यह? पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, जो बहुत बार पूछता है। यूनी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनिविक। देखिए यूनी से क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, ये हो गया आपका यूनिविक। तो ये जो कंप्यूटर था, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया। इसके आगे आपका आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का किसने इस्तेमाल किया है वो देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कोई कंप्यूटर नहीं है, बट उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर यहीं तक है, ठीक। इसके आगे हम लोग दूसरी चीज़ों को देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बाद में देख लेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कौन है ये? वॉन न्यूमैन। क्या है? वॉन न्यूमैन, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर मतलब आधुनिक कंप्यूटर। कौन है? तो ये है एलन ड्यूरिंग। कौन है? एलन ड्यूरिंग। तो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है, एलन ड्यूरिंग। देखिए अब हम लोग इसके आगे देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखने से पहले हम लोग कंप्यूटर का विकास और वर्गीकरण देख लेते हैं। क्या? कंप्यूटर का विकास और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को कितने भाग में डिवाइड किया है? तो कंप्यूटर को तीन भाग में आधार पर डिवाइड देखा जाता है, ठीक है। किसके आधार पर देखा जाता है? तीन आधार पर अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। कैसे? देखिए पहला होगा हार्डवेयर के आधार पर। क्या होगा? हार्डवेयर के आधार पर, आकार के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर
क्या हो जाएगा, और फिर हार्डवेयर के आधार पर दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, आकार के आधार पर कि कौन सा कंप्यूटर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आकार के आधार पर। तीसरा क्या होगा आपका, कार्य पद्धति के अनुसार, क्या होगा कार्य पद्धति के अनुसार। देखिए हार्डवेयर के आधार पर क्या होगा, तो हार्डवेयर के आधार पर जो कंप्यूटर का विकास का वर्गीकरण होगा तो इसमें क्या होगा, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, ऐसे करके आएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा प्रथम पीढ़ी, ठीक है, कि हार्डवेयर के आधार प्रथम पीढ़ी में क्या था, द्वितीय पीढ़ी। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। फिर क्या हो जाएगा, चौथी पीढ़ी। फिर क्या हो जाएगा, पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी, तो इसका डेट क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए प्रथम पीढ़ी कब से कब स्टार्ट हुआ है, तो कंप्यूटर का जो विकास हुआ है 1942 से 1955 के आसपास है। ये क्या है, 1942 से 1955। हालांकि अलग अलग बुक में ना किसी में थोड़ा 54-55 ऐसे करके लिया होगा, आगे पीछे लिया है, डेट कभी नहीं पूछता। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही पूछेगा वो, डेट कभी नहीं पूछता। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955, सेकेंड क्या हो जाएगा 1955 से क्या हो जाएगा 1964 तक, किसी में 65 भी दिया होगा तो आप 64 तक लिख लो। 1964 से क्या हो जाएगा ये आगे, 64 से हो जाएगा 75 तक, 75 तक। फिर 1975 से हो जाएगा ये 1989, ठीक है, 1989 या 90 ले लीजिए इसको, 1990 तक। फिर पांचवी पीढ़ी हो जाएगा 1990 तक, अब तक, आज तक, जो आज तक जो चल रहा है ना आज तक, वो सब आएगा आज तक। ठीक है, अभी के जितने कंप्यूटर हमको कौन से जनरेशन का बोलेंगे, पांचवी पीढ़ी का। आकार के आधार पर देखते हैं तो आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो भी चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो, फिर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, और क्या होगा आपका एक सुपर कंप्यूटर। ये क्या हो जाएंगे, आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर। अब कार्य पद्धति के अनुसार, कार्य पद्धति के अनुसार कैसा कैसा होगा, ये तीन प्रकार के होंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। क्या होगा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्डवेयर के आधार पर, फिर हम लोग देखेंगे आकार के आधार पर, फिर देखेंगे कार्य पद्धति के अनुसार। ठीक है, तो एक एक को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, पहला जनरेशन। ठीक है, तो मैं इसको टेबल में नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन करके। तो आप इसको देखिए, पहला प्रथम पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी कब से कब तक था, 1942 से 1954 तक, 54 या 55 जो भी होगा, ये प्रथम जनरेशन था आपका। क्या था, प्रथम जनरेशन, 55 लिखाया था मैंने, 55 ही लिख लीजिए, 1955 तक। ठीक है, हालांकि पूछता नहीं है, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या हुआ उससे जनरेशन। तो इस टाइम पर क्या करते थे, इस टाइम पे मैं आपको समझा दे रही हूँ पहले, फिर लिखेंगे। इसमें जो हार्डवेयर के रूप में, जैसे प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था पूरा कमरे के साइज का था, तो हार्डवेयर के रूप में क्या करते थे, निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। ठीक है,
जिसको वाल्व भी कहते हैं। और इसमें क्या होता था, इसमें जो सॉफ्टवेयर की जो भाषा होती थी वो मशीनी भाषा होती थी, ठीक है। तो एग्ज़ाम के में पूछा भी है कि इसमें फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा का यूज़ होता था, तो किस भाषा का यूज़ होता था, मशीनी भाषा का। और जो भाषा होती थी वो कैसी होती थी, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती थी, क्योंकि उस टाइम पर कंप्यूटर उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ किया जाता था। इसके साथ साथ क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और कंप्यूटर में पंच कार्ड इनपुट के लिए किसका यूज़ करते थे, पंच कार्ड, हरमन हॉलरिथ ने जिसको बनाया था ना उसको यूज़ करते थे, पंच कार्ड या पेपर टैप का, ठीक है। इस जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर हैं, तो हमने अभी इससे पहले देखा था ENIAC, और क्या था ENIAC, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट, ये सब क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसको यूज़ किस लिए करते थे, तो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य वगैरह के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में क्या यूज़ होता था, हार्डवेयर के रूप में क्या यूज़ होता था, निर्वात ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं वाल्व भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वाल्व, ठीक है, वाल्व भी बोल देते हैं, कि वैक्यूम ट्यूब या वाल्व का यूज किया जाता था, ठीक है, हार्डवेयर के रूप में। भाषा कैसी थी, भाषा कैसी थी, मशीनी भाषा का यूज किया जाता था। सॉफ्टवेयर के रूप में किस कौन सी भाषा का यूज किया था, मशीनी भाषा का यूज किया जाता था, ठीक है। और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, सॉफ्टवेयर के रूप में क्या आता था, मशीनी भाषा, यहां पर पूरा लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर के रूप में मशीनी भाषा और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इस भाषा में जो था पहली पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग, क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग का यूज किया जाता था। बैच प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, जिससे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। इसके जो सेकेंड जनरेशन होगा उसमें क्या होगा, बैच ऑपरेटिंग होगा। तो क्या होता है, जैसे बैच प्रोसेसिंग एक ही कार्य को करेगा, ठीक है, अलग अलग कार्य के लिए अलग नहीं कर सकता, ठीक। तो बैच प्रोसेसिंग एक कार्य को करने के लिए एक उसमें सिस्टम किया जाता था, फिर अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग किया जाता था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, उसमें हर एक कार्य को अलग अलग ना करके एक साथ कर लेता था, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग का यूज होता था, बैच प्रोसेसिंग। और क्या बताया था मैंने, इसमें इनपुट के लिए क्या यूज किया जाता था, इनपुट यूनिट के रूप में क्या यूज किया जाता था, क्या करते थे, पंच कार्ड और पेपर टैप का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, पेपर टैप का, ठीक है, इन दोनों का यूज करते थे। पंच कार्ड के निर्माणकर्ता कौन है, हरमन हॉलरिथ, याद रखना है आपको नाम, हरमन हॉलरिथ, ठीक है। इसमें क्या है, और क्या था इसमें, इसके में जो था इसका जो इस टाइम के जो कंप्यूटर थे, तो कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जांपल हैं इसमें, ENIAC, क्या है, ENIAC, यूनिवैक, पूछा है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आपको याद रखना है ENIAC, यूनिवैक, और क्या है, ADVAC, मार्क फर्स्ट आया है एग्जाम में, और IBM 360, ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है, थीके? ये इसके उदाहरण, एक इसके और एक भी उदाहरण है, IBM बरोज 2002 भी इसका उदाहरण है, ठीक। अब इसका उपयोग किस कार्य के लिए होता था, किस कार्य के लिए इसका उपयोग होता था, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सैन्य कार्यों के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सैन्य कार्यों के लिए होता था। पहले का जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं होता था ना, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सैन्य कार्यों के लिए, क्योंकि कंप्यूटर का साइज क्या था, बहुत बड़ा साइज था, ठीक है। तो आप इसमें साइज नहीं पूछोगे, जैसे जैसे कंप्यूटर का जनरेशन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कंप्यूटर का साइज छोटा होता जाएगा, और कार्य क्षमता क्या था, कम था, साइज ज़्यादा था,
और पावर खपत कैसा था, पावर का खपत भी बहुत ज़्यादा था। तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में पावर का खपत ज़्यादा था, आकार ज़्यादा था, ठीक है, और कार्य क्षमता क्या था, स्लो था, बहुत स्लो था। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं कार्य पद्धति क्या था, सैन्य कार्य के लिए, सैन्य कार्य के लिए। इसमें जो था इस टाइम पर जो कैलकुलेशन होता था उसमें किसमें होता था, ये मिली सेकेंड मतलब क्या होता है, मिली सेकेंड लिख लीजिए, मिली सेकेंड इसको क्या बोलते हैं, 10^-3 मिली सेकेंड में इसकी क्या होती थी कंप्यूटर की में इसमें गणना होता था। देखिए कितना स्लो होता था, ठीक है। अब इसमें आगे जनरेशन में जाएंगे तो तीन तीन के फॉर्म में बढ़ते जाएगा, सेकेंड जनरेशन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10^-6, फिर 10^-9, फिर 10^-12, ऐसा करके बढ़ते जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक। मशीनी भाषा किसको बोलते हैं, तो 01 जो बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, बाइनरी डिजिट, उसी को क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा, बाइनरी को क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम सेकेंड जनरेशन, सेकेंड पीढ़ी या जनरेशन कब था, 1955 से 64, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, पहले जनरेशन में क्या था, हम निर्वात ट्यूब का यूज़ करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिए हम, ट्रांजिस्टर का यूज़ करना शुरू कर दिए, किसका, ट्रांजिस्टर का, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज़ करना शुरू कर दिए, ठीक। किसमें, हार्डवेयर के रूप में ना, हार्डवेयर के रूप में किसका यूज करना शुरू हो गया, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था, तो ये अमेरिका के तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, नाम लिख लीजिए इसमें, क्या क्या नाम है ट्रांजिस्टर का, इसमें जॉन बार्डिंग, विलियम सॉकले और वाल्टर ब्रेटन। जॉन बार्डिंग विलियम सॉकले और कौन है, वाल्टर ब्रेटन। कहाँ के हैं ये सारे, यूएसए के, ठीक है, तीनों यूएसए के हैं। उन्होंने ट्रांजिस्टर का क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो का जो है, ट्रांजिस्टर किससे बनता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, यह ट्रांजिस्टर इसी को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। इसमें जो इसकी स्पीड थी, ठीक है, हमने देखा था इसमें स्पीड थी, वो क्या हमने बताया था कि 3 के फॉर्म में बढ़ेगा, तो 10^-6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो सेकेंड, क्या बोलते हैं, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, माइक्रो सेकेंड में गणने का स्पीड क्या हो गया, 10^-6 माइक्रो सेकेंड, इसमें गणना होना शुरू हो गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर के उपयोग से क्या हुआ, 10^-6 सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में गणना होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें जो स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस मैंने उसमें टाइम क्या बताया था आपको, पंच कार्ड वगैरह ना, लेकिन अभी स्टोरेज के लिए क्या यूज़ होना शुरू हो गया था, स्टोरेज डिवाइस जो था अभी क्या होता था, वो होता था इस टाइम मैग्नेटिक टेप का यूज़ होता था, किसका होता था, मैग्नेटिक
टेप का, ठीक है, मैग्नेटिक टेप का, जिसको क्या बोलते हैं, रील्स, ऐसे रील्स जो बनता था ना उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, ठीक है, रील का उपयोग होता था। ठीक, इसमें क्या होता था, कौन सी भाषा यूज होती थी, तो इस टाइम पर अब पहले निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का यूज होता था और मशीनी भाषा का यूज होता था, अब भाषा चेंज हो गई, क्या हो गया, असेंबली भाषा का यूज होना लगा, ठीक है, और जो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा था वो हट गया, ठीक है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो था वो हट गया। अब यहां पर क्या हो गया, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, क्या हो गया था, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे हम आगे जनरेशन में जाते जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपका जो भाषा है वो और उच्च स्तरीय हो जाएगा, उसमें नए नए भाषाएं आती जाएंगी, ठीक है, C++, फिर उसके आगे जाएंगे तो पाइथन, जावा, ये सारे जो भाषाएं हैं ना वो आना शुरू हो जाएंगी। अभी ये असेंबली भाषा था, ठीक है, असेंबली भाषा का विकास किसने किया है, तो ग्रेस हॉपर ने, किसने किया है, ग्रेस हॉपर ने, ठीक, ये नाम आपको याद रखना है कि 1952 में ग्रेस हॉपर ने असेंबली भाषा का विकास किया है। इसमें कौन सा यूज होता था, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम वही था कि सारे कार्य को अलग अलग ना करके मतलब अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मतलब इसमें डाला जाता था कि अलग अलग समय में अलग अलग कार्य होता था, ठीक है, एक साथ सभी कार्य को एक साथ करना पड़ता था, ठीक है, अलग अलग नहीं होता था, ये उस टाइम का क्या था, थोड़ी कमियां थी उस टाइम के कंप्यूटर में, ठीक है। इसके आगे अब देखते हैं इसमें और क्या बच गया, इसका भी यूज क्यों करते थे, वैज्ञानिक अनुसंधान व यूज क्या होता था, वैज्ञानिक अनुसंधान व सैन्य कार्य के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान व सैन्य कार्यों के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान व सैन्य कार्यों के लिए। इस टाइम के एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से कंप्यूटर हैं इसमें, तो IBM जो 360 था उसको छोड़ के क्या हो गया, IBM 1620, ठीक, IBM 1401, IBM 1401 और क्या हो जाएगा, IBM 7094, ठीक, इसके साथ क्या हो जाएगा, CDC 3600 और क्या हो जाएगा, यूनिवेक 1108, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपको इसमें आ गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस टाइम शेयरिंग, ठीक है, टाइम शेयरिंग, अभी जितने भी कंप्यूटर है ना उसी में वही होता है कि टाइम शेयरिंग यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग यही तक सेकेंड जनरेशन तक देखते हैं, इसके आगे थर्ड जनरेशन से कल देखेंगे और जो छूट गया होगा उसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे।